मैंने कोशिश की, मुझे लोगों ने मदद की, मैं एक मुकाम तक पहुंच गया। मैं चाहता हूं कि आज के जो बच्चे हैं वो मेरे से भी आगे जाएं। देश के चर्चित आईपीएस अधिकारी कैसर खालिद के दिशा निर्देश में जरूरतमंद स्कूली बच्चों के लिए बड़ी मुहिम शुरू की गई है। बच्चों को मदद करने के तरीका तो आपने अभी देख लिया, तो काफी चीजें मिल रही है। इसके अलावा एक बड़ी चीज है अवेयरनेस होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है, मिड डे मील स्कीम है, स्कॉलरशिप स्कीम है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, शुगर ड्राइव के लिए तो बहुत सारी स्कीम है, माइनर्स के लिए स्कीम है। तो क्या होना चाहिए कि समाज के कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो इन स्कीमों के बारे में जानकारी दें। अभी पासवान नगर फाउंडेशन में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उस स्कीम के बारे में एक अवेयरनेस मॉड्यूल क्रिएट करें और हम बच्चों तक और पेरेंट्स तक पहुँचें, तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। पिछले एक दशक से महाराष्ट्र के शहरी ग्रामीण भागों में अपने सामाजिक कामों के चलते चर्चा में रहने वाली संस्था पासवान अदब द्वारा मुंबई में जरूरतमंद स्कूली बच्चों को मदद करने के लिए मुहिम शुरू की गई है, जिसकी शुरुआत भी मुंबई गोविंदी शिवाजी नगर के सैकड़ों जरूरतमंद स्कूली बच्चों को कॉपी किताब देकर कर दी गई है। हमने पढ़ाई के दरमियान में बहुत सारा स्ट्रगल देखा हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ ये स्ट्रगल ये लोग ना करें। हमको मदद करने वाले कम लोग थे, मैं चाहता हूँ इनको मदद करने वाले ज़्यादा लोग थे। हम लोगों ने जो गलतियाँ की, मैं चाहता हूँ कि ये लोग वो गलती ना करें। तो इस वजह से क्योंकि एरिया में मैंने काम किया है और इसको बहुत नज़दीक से देखा है, यहाँ पर नशा मुक्ति के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की थी और सब चीज़ों के लिए कोशिश की थी, तो मुझे लगता है कि अगर इस एरिया में बदलाव आएगा तो ये पूरे मुंबई के लिए बल्कि पूरे कंट्री के लिए एक रोल मॉडल हो सकता है। ये दिखा सकता है कि इतने एडवर्सिटी से भी हम निकल करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसीलिए थोड़ा मेरी कोशिश ये है कि इसकी शक्ल सूरत बदले। मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि कोई भी सपना जो है ना वो इतना बड़ा नहीं होता कि तुम उसको हासिल नहीं कर सकते। हम में से बहुत सारे लोग आज जो सफलता के शिखर पर है ना, वो जब शुरू हुए थे तो उनके हालात कैसे थे, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचे। अमिताभ बच्चन रिजेक्ट हो गए, ऑडिशन रिजेक्ट हो गए उनके साउंड का, और आज वही वॉइस है जो कि हजारों लाखों लोग करोड़ों लोग पहचानते हैं और चाहते हैं वैसे वॉइस बना लें। तो मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, आज गिरोगे, आप तकलीफ में जाओगे, हौसला नहीं हारना है, हिम्मत नहीं छोड़नी है, फिर खड़ा होना है, फिर बदल झाड़ना हो, फिर आगे चलते रहना है, मेरा यही कहना है। मैं खुद गाँव का आदमी हूँ, आज पुलिस कमिश्नर हो गया, तो मैं तो इस बात को पहले दिन से मानता हूँ कि टैलेंट दुनिया में हर जगह है। ये तो हालात हैं कि जो आदमी को कभी बहुत दूर तक पहुंचा देते हैं और कभी उसको बिल्कुल ज़मीन पर रख लेते हैं। तो टैलेंट हर जगह पे है, और ख़ासतौर से क्या होता है कि जो अंडर प्रिविलेज इलाके हैं वहाँ के टैलेंट को वो माहौल नहीं मिलता कि वो बढ़ सकें। अभी तो मैं देखता हूँ BMC ने बहुत सारे स्कूलों में CBSE बोर्ड भी इंट्रोड्यूस किया है, बहुत सारे एजुकेशन में उन्होंने चेंजेस लाए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से मिड डे मील की स्कीम है, गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप की स्कीम है। ये तमाम चीज़ें इसलिए हैं कि हर शख्स अपने सपने को पूरा कर सके, इसी में थोड़ा सा हाथ पार हमने भी लगाया है।